और अब खबर दमोह से, जहां कोरोना अस्पताल से फरार कोरोना संक्रमित एटीएम ब्लास्ट के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकली नोट बनाने के आरोपी देवेंद्र पटेल को पुलिस ने आरोपी को काफी मशक्कत के बाद हिरासत में लिया था, लेकिन जेल भेजने के बाद उसके कोरोना पॉजिटिव निकलने पर उसे कोरोना अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से मौका मिलते ही वो फरार हो गया। वहीं आरोपी को पकड़े जाने के बाद उसे नरसिंहगढ़ चौकी में रखा गया था, जिसे स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस पूछताछ के लिए दमोह लाया गया है। अब अभी हमारे पुलिस के टीम ने देवेंद्र पटेल को पकड़ा है और उससे प्रॉपर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर अभी क्या उसकी भर्ती वगैरह किया गया है, कैसा क्या है, कोरोना पॉजिटिव था? नहीं, अभी उससे बस पूछताछ की जा रही है।